क्या सच में सांपों के पास होती है नागमणि? क्या कहता है विज्ञान? नागमणि का जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है। कई हिंदी फिल्मों और धारावाहिकों में भी अभिनय किया। एक निश्चित उम्र के बाद सांप की कुछ प्रजातियों के सिर पर ये रत्न बनता है जो अमूल्य है। अगर यह किसी के हाथ लग जाए तो वह अपार संपत्ति का मालिक बन जाता है। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। लेकिन क्या नागमणि नाम की कोई चीज होती है या ये सब कल्पना है? विज्ञान क्या कहता है? कई लोगों का मानना है कि स्वाति नक्षत्र से बारिश की बूंदें किंग कोबरा के फन पर गिरती है जिससे नागमणि बनती है। नागमणि पर भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। किंग कोबरा कभी भी अपने फन से बाहर नहीं निकलता। हालांकि ऐसा माना जाता है लेकिन विज्ञान ने इसे मनगढ़ंत बात कहकर खारिज कर दिया है। भूविज्ञान का कहना है कि सांप के सिर या फन में कभी कोई मणि नहीं पाई गई है। सिर के अंदर रत्न या मोती होने की कल्पना का कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। ये सब भ्रम है। विशेषज्ञों का कहना है शायद ऐसा विचार लोक कथाओं या अंधविश्वास से पैदा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों की तरह सांपों में भी पित्त पथरी होती है। बड़े पत्थरों से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी निकलते हैं। अब इस नागपित को किसी ने गलती से नागमणि कह दिया। बाद में ये लोकप्रिय हो गया। लोग साधारण पत्थरों को नागामी समझते हैं। एक एक्सपोस्ट में IFAS अधिकारी सुधा रमन ने सांप के सिर वाले नागामी को एक मिथक के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा, अन्य जानवरों की तरह सांपों में भी मांस और हड्डियां होती हैं। कोशिकाएं और मांसपेशियां एक समान हैं और अधिक कुछ नहीं। सांप के शरीर में कोई कीमती पत्थर या रत्न नहीं है, पहले भी नहीं था। सांप किसी को सम्मोहित नहीं कर सकता।